नमस्कार, आज मैं अपने किचन में सिंगाड़े आटे की टिक्की बना रही हूँ। सबसे पहले उबले आलू लिए हैं, इसमें थोड़ा सा दही डाला है और सिंगाड़े का आटा, इन सबको मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा पुदीने की चटनी, इसको भी मिक्स कर लेंगे। सेंधा नमक, भुना हुआ जीरा, लाल मिर्च पाउडर और चॉप ग्रीन चिल्ली, इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम टिक्की की शेप बना लेंगे। अब आप टिक्की किसी भी आकार की बना सकते हैं। इसमें मैंने कोई भी ऑयल या घी वगैरह इस्तेमाल नहीं किया है। अब थोड़े से देसी घी में इन सबको हम तल लेंगे। घी ज़्यादा नहीं लेना है। पलट देंगे इनको। अब देख सकते हैं टिक्कियाँ अच्छी तरह से सिक चुकी हैं, सभी टिक्कियाँ सिक चुकी हैं। अब इसको हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में। सिंगाड़े आटे की टिक्की बनकर तैयार है।